नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के ऑडियो ट्यूटोरियल में CIT एडवांस लेवल की रिकॉर्डिंग के साथ मैं हूं हाफिज़ वसीम अहमद। आज हम सीखेंगे कि गूगल पे या फिर किसी वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम को ओपन करने के बाद हम उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे जहां से हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। एड्रेस टाइप करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास वेबसाइट का होम पेज ओपन हो चुका है। अब यहां पे हम सॉफ्टवेयर मेन्यू में जाएंगे। सॉफ्टवेयर मेन्यू में जाने के लिए सबसे पहले हम लिंक लिस्ट बनाएंगे और लिंक लिस्ट बनाने की कमांड है इंसर्ट F7। अब यहाँ पे एरो की से मूव करते हुए सॉफ्टवेयर पे जाके एंटर करेंगे। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर का पेज खुल चुका है। अगर हमें सॉफ्टवेयर का नाम नहीं पता तो हम यहाँ पर लिंक लिस्ट बनाकर एरो की से मूव कर सकते हैं या फिर H प्रेस करते हुए हेडिंग टू हेडिंग मूव करके सॉफ्टवेयर का नाम देख सकते हैं। चूंकि मुझे यहाँ पर पता है कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो मैं इस पेज पे एडिट फील्ड ढूंढूंगा और एडिट फील्ड ढूंढने की कमांड है E। टाइटल एडिट पे मैं वो नाम टाइप करूंगा जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पर NVDA टाइप कर दिया है। अब मैं टैप करने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। कैटेगरी बाय डिफॉल्ट एनी पर होती है और हम इसको चेंज नहीं करेंगे। टैप करने के बाद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करूंगा कि मुझे मोबाइल के लिए चाहिए या फिर कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे हम कंप्यूटर के लिए डाउनलोड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर ही सिलेक्ट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे आने के बाद टैप करूंगा और सर्च बटन पे एंटर कर दूंगा। अब हमारे पास एक और पेज ओपन हो चुका है। इस पेज पे मैं हेडिंग टू हेडिंग मूव करूंगा और हेडिंग टू हेडिंग मूव करने की एक्सेस की है H। ये मेरे पास NVDA 2020 with Elegance आ चुका है। इस पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास एक पेज और खुल गया है जो कि डाउनलोड पेज है। अब मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर H से मूव करते हुए यानी कि हेडिंग टू हेडिंग मूव करते हुए डाउनलोड पे आऊंगा। मेरे पास अब डाउनलोड की हेडिंग आ चुकी है। यहाँ पर मैं डाउन एरो करने के बाद डाउनलोड बटन पे एंटर कर दूंगा। ये हमारी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही हमारी फाइल डाउनलोड होकर कंप्लीट होगी तो हमारे पास एक डायलॉग आएगा। उस डायलॉग के बाद या उस डायलॉग से पहले अगर हमने अपनी फाइल की प्रोग्रेस बार चेक करनी है कि हमारी फाइल कितनी डाउनलोड हो चुकी है तो उसके लिए हम Ctrl+J प्रेस करेंगे और फाइल की प्रोग्रेस चेक करेंगे कि हमारी फाइल कितनी डाउनलोड हो चुकी है। ये हमारे पास NVDA with Elegance सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।